तो हम लोग देखेंगे कि मैथ पे लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल्स। आज जो थ्योरम चलेगा, नेक्स्ट थ्योरम होगा आपका, कि वह थ्योरम है आपका इफ अ ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट टू लाइंस, टू लाइंस इन सच अ वे, इन सच अ वे, सच अ वे दैट दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल एंगल आर इक्वल, आर इक्वल देन द टू लाइंस, लाइंस आर पैरेलल, आर पैरेलल। अब यहां पे एक चीज देखिए, यह हम लोग का क्या है थ्योरम, और यह थ्योरम जो है क्या बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन, दो लाइन को, यानी कि यह दो लाइन दिया हुआ है और इस दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यह एल और एम दो लाइन है और यह ट्रांसवर्सल लाइन आपका एन है, कुछ इस तरह की कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर और यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो यह जो लाइन, दो लाइन दिया हुआ था जिसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एल और एम जो होगा वह पैरेलल होगा। हम लोग जानते हैं पैरेलल के लिए क्या होता है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। हम लोग जितना भी एंगल है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। चलिए, यह आपका वन हो गया, या टू हो गया, या थ्री हो गया, या फोर हो गया, फाइव सिक्स, या आपका सेवन, और या आपका एट, ठीक है। तो गिवन, गिवन में है क्या, गिवन है कि एन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एल एंड एम, एल और एम को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड और क्या दिया हुआ है, एंगल फोर इक्वल टू सिक्स, और क्या दिया है, एंगल थ्री इक्वल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव। टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एल पैरेलल आपका क्या होगा, एम, एल पैरेलल एम। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करता है भाई, चीज देखिए कि गिवन है, गिवन एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल फोर, फोर कहां पे है, या फोर, या फोर जो है सिक्स के बराबर है, दैट मीन्स इस फोर के बदले हम लोग क्या कर देते हैं, फोर के बदले टू रख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल फोर, एंगल फोर जो है, फोर के बदले हम लोग क्या रख दिए, एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स, सिंस एंगल टू एंड फोर आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, यह दोनों जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एंड और जो है हम लोग कर सकते हैं, अब यहां पे देखिए कि एंगल थ्री इक्वल टू क्या है, एंगल फाइव, ठीक है, एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव,
इससे इम्प्लाइज किया यह एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू आपका एंगल 5, यानी कि सिंस एंगल 1 एंड एंगल 3 जो है आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, जिससे इम्प्लाइज किया कि क्रॉस कॉर्निंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे देख रहे हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, वो इक्वल हो गया। और यह कब पॉसिबल है, जब आपका यह दोनों लाइन जो है वह आपका क्या हो, पैरेलल हो, जिससे इम्प्लाइज किया या 10 एल पैरेलल एम, और इस तरह से यह आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग देखने वाले हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल जो होगा वह सप्लीमेंट्री एंगल होगा। दैट मींस अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन को दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कंजुगेटिव एंगल का जो सम होगा, इंटीरियर कंजुगेटिव एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री आपका होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि यह देखिए इतना हल्का है, यह L और यह आपका M है, यह मान लेते हैं M है, यह एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह आपका, ठीक है। तो गिवन, ठीक है, एक चीज यहां से, यानी कि हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला जो है एल पैरेलल जो है एन जो है एन इंटरसेक्ट जो कर रहा है इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम को इंटरसेक्ट कर रहा है टू प्रूव हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड और क्या करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वह भी आपका 180 डिग्री होगा। चलिए देखिए कितना इजी वे में हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग LHS ही ले लेते हैं। LHS क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब यहाँ पे देखिए एंगल 3 जो है क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 6 जो है एंगल 2 के बराबर, सिंस एंगल 1 एंड 3 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एंड और एंगल 2 जो है इसके बराबर एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, या क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक
ठीक है। और क्या भी जानते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, यानी एंगल वन प्लस एंगल टू। और एंगल वन प्लस एंगल टू क्या है? लीनियर एंगल। और सम ऑफ लीनियर एंगल कितना होता है? ठीक है, यानी कि यह आपका क्या हो गया 180 डिग्री। यानी कि वी नो दैट, यहां लिख देंगे कि सम ऑफ लीनियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया यह आर एच एस। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल फोर, यानी कि सिमिलरली एंगल फोर प्लस एंगल फाइव जो होगा, एंगल फोर जो होगा एंगल किसके बराबर? एंगल फोर जो है एंगल टू के बराबर, और एंगल फाइव जो है एंगल एंगल फोर जो है आपका, यानी एंगल फोर जो है यहां पे देखिए एंगल फोर टू के बराबर हो गया, का वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल फाइव जो है वो वन के बराबर हो गया। वी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से या दोनों लीनियर पेयर है, 180 डिग्री हो गया, या आपका प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पेयर ऑफ सम ऑफ पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर जो है 180 डिग्री आ रहा है। दस हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कब? जब दोनों का सम 180 डिग्री आपका हो जाए। तो यहाँ पे भी यही चीज हम लोग को प्रूफ करना होता था कि 3 + 6 180 डिग्री, 4 + 5 180 डिग्री होता था। इसके लिए हम लोग क्या कर लिए, फोर के बदले क्या था, टू हो जाता था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और आपका फाइव यह दिया हुआ था कि 4 + 5 है कि या 5 के बदले हम लोग 1 कर सकते हैं, 1 और 2 लीनियर पेयर है, और सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लिए।